दोस्तों आईपीएल 2024 से पहले चेन्नई के फैंस के लिए बेहद ही बुरी खबर सामने निकल कर आई है और चेन्नई का सबसे बड़ा हथियार एक बार फिर चोटिल होकर आईपीएल 2024 से बाहर हो गया है, जिससे चेन्नई की मुसीबतें काफी हद तक बढ़ चुकी हैं और चेन्नई की फ्रेंचाइज इस घातक गेंदबाज की रिप्लेसमेंट की तैयारियां शुरू करने में लगी है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुकेश चौधरी की, जो चोटिल होने की वजह से आईपीएल 2023 को पहले ही मिस कर चुके थे। और मुकेश चौधरी ने एक बार फिर चेन्नई को बड़ा झटका देकर चेन्नई के फैंस को सर पटकने पर मजबूर कर दिया। और दोस्तों सीएसके फ्रेंचाइजी में खतरनाक घातक गेंदबाज की जल्दी एंट्री होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान को लेकर भी बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, तो बने रहिए भैया वीडियो के एंड तक। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कर ले, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मौजूद है, जहां आपको क्रिकेट की अपडेट के अलावा टॉस और टीम प्रेडिक्शन की सटीक जानकारी बिल्कुल फ्री में मिलती रहेगी। और दोस्तों हम मुकेश चौधरी को लेकर बात करते हैं, तो दोस्तों मुकेश चौधरी आईपीएल 2024 भी मिस करने वाले हैं। आईपीएल 2023 में भी चोटिल होने की वजह से मुकेश चौधरी चेन्नई का हिस्सा नहीं बन पाए थे, जिन्होंने चेन्नई के लिए अपनी घातक गेंदबाजी से शानदार प्रदर्शन किया था, जिनकी रफ्तार भरी गेंदबाजी में काफी खूबियां मौजूद थी। लेकिन दोस्तों चेन्नई को मुकेश चौधरी का लंबा इंतजार करना होगा और बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि मुकेश चौधरी आईपीएल 2024 में भी नजर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि मुकेश चौधरी अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं, जिसका अपडेट खुद मुकेश चौधरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिया है। ऐसे में दोस्तों चेन्नई की मुसीबतें काफी हद तक बढ़ चुकी हैं। इससे पहले दोस्तों बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने भी मुस्तफिजुर रहमान पर आईपीएल खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है और अब मुकेश चौधरी ने दूसरी बार चेन्नई का रायता फैला दिया, जिससे चेन्नई की घातक गेंदबाजी काफी दिक्कत में पड़ चुकी है। और दोस्तों सीएसके फ्रेंचाइजी को मुकेश चौधरी और मुस्तफिजुर रहमान का रिप्लेसमेंट काफी जल्दी करना होगा, ताकि समय रहते आईपीएल 2024 की तैयारियां शुरू की जा सके। हालांकि दोस्तों चेन्नई की स्क्वाड में दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर के अलावा महिषा पाचीदाना जरूर मौजूद है, लेकिन सीएसके फ्रेंचाइजी के पास बैकअप गेंदबाज मौजूद नहीं है और सीएसके फ्रेंचाइजी इन दोनों घातक गेंदबाजों का जल्दी रिप्लेसमेंट घोषित करना चाहेगी। और सीएसके मैनेजमेंट मिनी ऑक्शन में अनसोल्ड रह गए किसी गेंदबाज को अपनी फ्रेंचाइजी से जोड़ सकती है, जिसमें दो बड़े नाम है जिसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यानी कि एडम मिलने और जोस हेजलवुड को चेन्नई ज्वाइनिंग लेटर दे सकती है, जो काफी खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं और इनसे बेहतर चेन्नई के पास कोई और विकल्प मौजूद नहीं है। लेकिन फिर दोस्तों चेन्नई वालों की मर्जी, चेन्नई किसे रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल करती है, लेकिन आपके हिसाब से चेन्नई किस गेंदबाज को शामिल करना चाहेगी, नीचे कमेंट करके आप अपनी कीमती राय जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों जाने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।